So, if you are someone who is struggling with it, uh, welcome here and I am happy to help you through this chapter. Second thing is that if you still face any doubts and queries, you can always reach out to me at psclassesicse at gmail.com. I have a very good, I got a very good response uh, for the batch that was starting from the 1st of October and it is going super well. So, another batch will be starting from the 1st of November and I only have 10 spots for it.

मेटलर्जी सबसे पहले आप उसके नाम से समझिए कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं और मेटलर्जी एज द नेम सजेस्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स ठीक है मेटल्स को उनकी रेगुलर फॉर्म्स में जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी नेचर में वहां से निकाल के बाहर अपनी यूज के लिए उनकी उनकी प्योर फॉर्म में निकालना उसको मेटलर्जी का पार्ट बनाया गया है नाउ As we start with metallurgy, the first thing that you have to understand is कि हमारे पास elements total हैं कितने? So अभी तक as of now जितनी information है, we know 118 elements elements बोला मैंने metals नहीं बोला है, 118 elements हमें पता है, उसके अंदर we have categories जो कि हैं आपकी metals हैं, non-metals हैं, you have metalloids, ठीक है? उसके अंदर you have so many. अब जब हम आप आपके एलिमेंट्स की बात करते हैं जब हमारी नेचर में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दे कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स या तो दे विल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एकदम मस्त घूम रहे हैं ठीक है फ्री स्टेट या तो दे विल कंबाइन और मेजोरिटी केसेस कंबाइन स्टेट के होते हैं ठीक है नेचुरली एग्जिस्टिंग आपके नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं आपके नॉन मेटल्स में यू हैव ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में ऐसे फिर रहे हैं इधर से उधर घूम रहे हैं ठीक है दैट इज फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट में क्या हो गया आपके जितने भी मेटल्स हैं जो ओर फॉर्मेशन में है वो हो गए कंबाइंड स्टेट में तो कोई भी एलिमेंट दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट कितने एलिमेंट हमें पता है हंड्रेड एंड हमें पता है 118 में से बहुत सारे हैं जो मेटल्स हैं आपके आई थिंक दे आर नॉन मेटल्स आई थिंक 17 नॉन मेटल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यू हैव जो कि कंबाइंड प्रॉपर्टी शो करते हैं So, पहला जो पूरा पार्ट है चैप्टर का वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है आ, बेस जो, जो आपको ऑलरेडी पता है बट उसको थोड़ा सा कंबाइन करके एक बार में आपको दोबारा से बताया गया है ठीक है तो जब, जब फटाफट से आ, स्टार्ट करते हैं देयर आर हंड्रेड एंड एटीन डिफरेंट एलिमेंट्स नोन टू अस टुडे दीज एलिमेंट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ्स क्रस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कम्बाइंड स्टेट पूरी धरती पे ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट है एंड कम्बाइन स्टेट में भी प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेट रिलेटिव अबंडेंस कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अबंडेंस में अब अबंडेंस का मतलब बहुत ही ज्यादा है ठीक है दे आर टू मच कि आप अच्छे से यूज कर रहे हो उनको बट दे आर इन गुड क्वांटिटी ठीक है और कुछ है जो रेयर है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं कम चीजें चीजों के साथ कंबाइन करते हैं दे आर वेरी रेयर ठीक है तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमारी में परसेंट ऑक्सीजन है सिलिकन है आपका ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट आयरन है फाइव परसेंट सोडियम है टू पॉइंट एट मैग्नीशियम टू पॉइंट वन फॉस्फोरस देखो कितना कम है जीरो परसेंट, हाइड्रोजन देखो कितना कम है जीरो पॉइंट वन फोर परसेंट पोटासियम टू पॉइंट एट कैल्शियम थ्री पॉइंट सिक्स एल्यूमिनियम एट परसेंट ठीक है ये सिर्फ एक आपको अंदाजा दिया गया है आपको याद नहीं करना है चिंता मत करो

वायर उनको खींच तान के वायर्स फॉर्म कर सकते हो विच हैव हाई डेंसिटीज हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनको क्या कहा जाता है इनको मेटल्स कहा जाता है ठीक है द नॉलेज ऑफ मेटल्स इज वेरी ओल्ड बहुत पुराने समय से मेटल्स के बारे में हमें जानकारी है बहुत पहले से कॉपर हैज बीन यूज एज यू नो वेसल्स बनाने के लिए बर्तन बनाने के लिए Uh, आपके यू नो जानवरों को मारने के लिए जो क्या बोलते हैं वेपन्स वेपन्स को बनाने के लिए उन सब चीजों में कॉपर बहुत पहले से यूज होता आ रहा है तो हमें मेटल्स की नॉलेज बहुत पहले से है सो so, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल तो टू बी यूज बाय मैन फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स वेपन्स तो एंड अदर पर्पेस अब उसके अलावा हमें गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड आयरन टिन एंटमनी मर्करी का भी पता था एशियंट टाइम्स में तभी तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी बनती थी गोल्ड सिल्वर से दे वी वी वुड आल्सो यूज डिफरेंट मेटल्स टू मेक कॉइन्स जो बहुत बड़े बड़े कॉइन्स आपने देखे होंगे एंशियंट टाइम्स के सो दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल्स तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते थे मरकरी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लोगों को बट पता था कि वो एग्जिस्ट करता है एंड इट वाज नोन एज क्विक सिल्वर पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है दैट इन एंशियंट टाइम्स आई डिड नॉट नो कि मकरी कितना हार्मफुल भी है वो तो इवेंचुअली यूज कर करके uh, और मोर साइंटिफिक रिसर्च होके पता चला कि मकरी आपकी स्किन के लिए कितना खराब है यू कैन नॉट जस्ट यूज इट ऐसे पकड़ के नहीं घूम सकते हो मकरी को ठीक है तो वो सब चीजें इवेंचुअली पता चली उस टाइम पे तो उन्हें लगा था कि कितना सिल्वर मेटल है सिल्वर के जैसा है और यू नो लिक्विड फॉर्म में है तो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट तो उनके हिसाब से दैट वॉज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट बट एज दिसर्च डेवलप पता चलाइडली लाइफ फॉर अंबर ऑफ पर्प समी मेटल्स ज्वेलरी एंड कॉइन्स सम आर इम्प्लॉइड इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड फर्निचर एंड सम इन दंस्ट्रक्शन मशीनरी टूल ट्रांसपोर्ट

तो आप लोग को तो यूट्यूब पे ऐसा दिखेगा उल्टा दिखेगा चलिए कोई बात नहीं देखते हैं ठीक है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड मेनी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर इक्विपमेंट्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी मेटल्स यूज होते हैं मेटल्स फाइंड मेटल्सेशन एज कैटलिस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन क्या होता है किसी भी प्रोसेस uh, में जब आप हाइड्रोजन को ऐड करने की कोशिश करते हो उसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं हाइड्रोजनेशन हम वेजिटेबल ऑयल्स में करते हैं क्योंकि हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो जब हम उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसके मॉलिक्यूल के अंदर तो तो जो हमारा रेगुलर वेजिटेबल ऑयल है जो रखा रखा खराब हो सकता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है वो ऐसे हवा से या रेगुलर आपके आसपास की चीजों से इम्पेक्ट नहीं होता इसीलिए हाइड्रोजनेशन किया जाता है फॉर वेजिटेबल ऑयल्स तो मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है ऐसी प्रोसेस में सो मेटल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अस ये कहने का मतलब है इनका ठीक है वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन अब हाइड्रोजनेशन की डिटेल्स हम करेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया जब अमोनिया का प्रोसेस पढ़ोगे ना तो उसमें भी पता चलेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड कुछ डाइज भी ऐसी होती हैं फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग वी यूज मेटल्स ड्रग्स एट्सेट्रा

मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज अ प्लांट तो ये आपको इंडिविजुअली पता होने चाहिए आयरन किसमें ह्यूमोग्लोबिन में जिंक किसमें इंसुलिन में कोबाल्ट किसमें विटामिन बी ट्वेल्व में आप क्या करेंगे आप नोट्स बनाएंगे तो एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे उसमें आप ये यूजेस लिखेंगे तभी आपको याद रहेंगे वरना भूल जाओगे मूविंग ऑन Metals are defined as, अभी आपकी और अपडेटेड डेफिनेशन होती जा रही है है? जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा बातें हम अपग्रेड करते तो क्या कहने का मतलब क्या है मान लो आपके पास सोडियम है सोडियम का अटोमिक नंबर इज इलेवन आपका बना टू एट वन अब जो सोडियम है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की अब ये मैं एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ जिसमें मुझ उस बच्चे को ये पता ही नहीं था कि सोडियम पॉजिटिव आयन क्यों बना रहा है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ फिर से ये उन बच्चों के लिए है जिनकी बेसिक्स बहुत वीक है एंड दे वांट अ लिटिल पुश ठीक है अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी आई डू हैव अ बैच कमिंग अप जो फर्स्ट नवम्बर से स्टार्ट हो रहा है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चों के बेसिक्स आर वेरी वेरी वीक ठीक है जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है केमिस्ट्री पहले की से ही केमिस्ट्री वीक थी और अब और मुश्किल हो गई है तो केमिस्ट्री में पास होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है उन बच्चों के लिए नया बैच इज कमिंग अप फ्रॉम ऑफ नवंबर इफ यू आर वन ऑफ देम या फिर यू नो समन हुट यू रीच आउट एट पी एस क्लासेज आईसीएससी एट जी मेल डॉट कॉम आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट कर सकते हो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन चलिए जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है आपको यह समझना है कि सोडियम का टॉमिक नंबर इलेवन है मतलब उसके पास ग्यारह इलेक्ट्रॉन है ग्यारह प्रोटोन है अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया इसका मतलब अब है उसके पास टेन इलेक्ट्रॉन और इलेवन प्रोटॉन प्रोटोन हो गए ज्यादा इसलिए सोडियम लेगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल तो ये जो आपकी अपडेटेड डेफिनेशन है ये इसी बेस इसी बेसिस पे है मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना सकता है अब हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको भी डोनेट करके एच प्लस बना सकता है पर फिर भी वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है अब आ जाओ नॉन मेटल्स पे अब नॉन मेटल्स हमने देखा कि सिर्फ सेवनटीन है टोटल नंबर में ठीक है अब पहली बात तो आप इसकी डेफिनेशन समझो मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को दे दो डोनेट कर दो पॉजिटिव आयन बना लो नॉन मेटल की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लो ले लो पकड़ लो और फिर नेगेटिव आयन बना दो नॉन मेटल नेगेटिव आयन इसलिए बनाता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव इसी वजह से नॉन मेटल्स जब आयन बनाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं सो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर बट दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आर डेली लाइफ ठीक है so, टल एक्सेप्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन को छोड़ के आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयम बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है हाइड्रोजन द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन ठीक है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन आपको पता होनी चाहिए बात इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑइल मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल ऑयल्स की शेल्फ लाइफ like बढ़ाने के लिए उनको उनका एक ट्रीटमेंट किया जाता है उस ट्रीटमेंट को कहते हैं हाइड्रोजनेशन जिसमें हम उसके हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा घुसा देते हैं ठीक है टू मेक घी एज अ फ्यूल एंड इन अब हा, जो हाइड्रोजन के नए नए यूजेस आ रहे हैं दैट इज की जो एक नया आउटपुट uh, आ रहा है दैट इज हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो so हाइड्रोजन का क्या क्या यूज हो गया हाइड्रोजनेशन में हो गया दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दूसरा हो गया एज अ फ्यूल तीसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ठीक है तो इन तीनों ये तीन यूजेज हो गए आपके हाइड्रोजन के इट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर ऑर्गेनिक ये हो गया फोर्थ पॉइंट अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पढ़ोगे उसमें हाइड्रोजन एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है हर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन के बिना तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते ठीक है so सो इसीलिए हाइड्रोजन का वहां भी यूजेज होता है उसके बाद आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कैसे कैसे मतलब प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट इन विटामिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो भी हम प्रोटीन्स खाते हैं फैट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स विटामिन ये सब कार्बन के कंपाउंड है पर इनके साथ आपका हाइड्रोजन भी होता है बट यू कैन ऑल्सो कंसिडर दम एज कम्पाउंड ऑफ कार्बन दोनों होते हैं प्रैक्टिकली ठीक है so सो ये आपके कार्बन के यूजेस हो गए यहाँ पे आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम हमारी रेगुलर बेसिक ग्रोथ डेवलपमेंट हमारी वेलबींग well हमारा इम्यून सिस्टम सब कुछ तो इन पर डिपेंड करता है अच्छा खाओगे पियोगे नहीं हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तो आपका बॉडी भी अच्छे से नहीं चलेगी करेक्ट तो योर डेवलपमेंट योर मसल स्ट्रेंथ योर इम्युनिटी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कार्बन हाइड्रोजन के कम्पाउंड जोनिक कम्पाउंड है दट इज प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स इन्जाइन विटामिन एवरीथिंग अब देख हैं ये ये तो पता ही है बिना सांस कैसे रहोगे आपके ऑक्सीजन के दो यूजेस हो गए ये वाले जो आपके थे पॉइंटर्स ये थे आपके कार, कार्बन के नाइट्रोजन इज द मोस्ट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एटमोसफियर इट्स प्रेजेंस इन एयर रिड्यूस द रेट ऑफ कम्बस्टन ठीक है तो नाइट्रोजन का क्या हेल्प है नाइट्रोजन आग लगने से रोकता है इट हेल्प करता है कि वो आग इतनी इजीली नहीं लगे कम कंबस्टन को स्टॉप करने की कोशिश करता है ड्यू टू इट्स इनर्टनेस इट इज ऑल्सो यूज प्रिजर्व फूड जो आपके चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उसके अंदर संदर्भ नाइट्रोजन भरी होती है ठीक है तो नाइट्रोजन का यूज यहां भी है नाइट्रोजन का यूज है दूसरा रिड्यूस द रेट ऑफ कंबस्टन लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन

फ्लोरीन, आयोडीन, जो ये वाले पार्ट है, है आपका कि किसी ने कभी इतना देखा ही नहीं है ठीक है सो बट नो वन नोज वॉट इट लुक्स लाइक इट इज द रेयरस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट तो सबसे में आपको पता होना चाहिए कौन सा है सबसे रेयरेस्ट में कौन सा ये भी पता होना चाहिए सर्टन एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स मेटेलॉइड्स को और क्या कहते हैं एट्थ क्लास के बच्चों सेटल्स ठीक है दे आर बोरऑन सिलिकन जोमेनियम आर्सनिक एंटेमनी टेलूरियम एंड पोलोनियम ये नाम सारे नहीं दो चार याद होने चाहिए इन the, the left side ऑन द लेफ्ट साइड एंड इन द have बीन placed ऑन द राइट साइड एलिमेंट्स इन ग्रुप 13. अब देखो ये सब बात ना मैंने periodic टेबल में भी पढ़ाई है आपको पर फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ बैठे हैं नॉन मेटल्स कहाँ बैठे हैं हेलोजन कहाँ बैठे हैं अगर मेरा पीरियोडिक टेबल थोड़ा सीधा होता तो मैं बताना आसान होता बट फिर भी बता देती हूँ

ओके एलिमेंट्स इन ग्रुप थर्टीन बोरॉन को छोड़ के आर मेटल्स एंड देर भाई ये सारी प्रॉपर्टीज it, तो है तो प्योरिट टेबल में से समझ लेना फिर भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लेना द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द्योरिट टेबल आर सेपरेटेड बाई जिग्सैक्ट लाइन ऑफ मेटलॉइड्स ये मैं बता सकती हूँ यहाँ पे आपको इधर की तरफ रुको इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं ये जितने भी है ना सारे नीचे ये सारे हैं मेटल्स ऊपर सारे हैं नॉन मेटल्स और ये जो zigzag लाइन बन रही है ये वाली ये zigzag लाइन आपको दे रही है मेटलॉइड्स आगे बात समझ zigzag लाइन का मतलब है कि वो जो लाइन है ना वो आपकी ऐसे जा रही है इसके अंदर आपके मेटलॉइड्स बैठे ठीक है थीके? तो ये कह रहा है वो उस सेंटेंस में चलिए अकरेंस ऑफ मेटल्स अब मेटल्स हमारे जैसे हमने डिस्कस करा दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं एक तो फ्री स्टेट में कंबाइंड स्टेट में जब कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो पहली बात तो ये कि कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं और स्पेशली वो वाले मेटल्स जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ठीक है मतलब बहुत कह सकते हो बेचैन है ऐसे अकेले बैठ नहीं सकते कहीं ना कहीं किसी के साथ कंबाइन combine करके कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे गोल्ड है प्लेटिनम है ये बहुत ये बिल्कुल चाहते ही नहीं किसी से बात करना ठीक है बहुत इंट्रोवर्ट है तो ये आपको ट्रेसेस में ऐसे भी मिल जाते हैं अब इसके बारे में देखते हैं द दर्थ क्रस्ट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मेटल्स अर्थ का जो पूरा क्रस्ट है इट्स अ वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ मेटल्स मेटल्स कैन अकर इन देयर नेटिव मतलब फ्री स्टेट या इन कंबाइंड स्टेट अकरेंस ऑफ ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस एक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी सीरीज पे क्यों क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में जो भी टॉप एक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन करके मिलेंगे जो लोअर लाइन होंगे वो फ्री स्टेट में मिल जाएंगे ठीक है और जो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे ना उनको कंबाइंड स्टेट में से सेपरेट करना भी ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए ज्यादा प्रोसेस लगानी पड़ेंगी ज्यादा केमिकल एक्शन करने पड़ेंगे तब जाके वो सेपरेट होंगे और जो आपके टूवर्ड्स द बॉटम पार्ट होंगे उनको सेपरेट करना भी उतना आसान होता जाएगा ठीक है

तो अगर आपसे पूछा जाए नेमक ऑफ एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में मिलते हैं गोल्ड और प्लैटिनम उसके अलावा बहुत कोई नहीं मिलता ठीक है सब कंबाइंड मिलता है कंडीशंस तो ऑक्सीजन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कॉमन रिएजेंट्स अकर इन नेटिव स्टेट गोल्ड एंड प्लैटिनम आर लेस रिएक्टिव मेटल्स डू दे अकर इन नेटिव स्टेट स्टेट या फ्री ठीक है देखी बात समझ

सल्फाइड सल्फेट एट्रा मिक्सड विद क्ले मड सैंड एंड स्टोन अब जो आपका कंबाइंड स्टेट है ऐसा तो नहीं मिलेगा आपको कि यहाँ पे एक किलो का आपका मेटल पड़ा है कंबाइंड है क्लोराइड फॉर्म में उठा के ले जाओ ऐसे नहीं होता आपके अर्थ क्रस्ट में, में प्रेजेंट है तो वो कंबाइंड तो है ही उसने कंबाइंड करके एक और बना रखा है उसके साथ में आपका मड क्ले स्टोन सैंड सब कुछ और इम्प्योरिटी भी होती है तो जब भी हम इनका प्यूरिफिकेशन करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं टू बी प्रिसाइज सबसे पहले आप आलतू फालतू की इम्प्यूरिटी निकालोगे उसके बाद आप केमिकल एक्शन दिखाओगे ठीक है सो इसी वजह से पूरा जो कंबाइंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसी को आपको इसमें से आपको मेटल को निकालना होता है और ये कंबाइंड स्टेट कैसा है ऑक्साइड्स है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया कार्बोनेट्स है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया यू हैव हैलाइड्स यू हैव सल्फाइड्स यू हैव सल्फेट्स उसके साथ में कंबाइंड है क्ले मड स्टोन ठीक है अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ये ये वाला पता नहीं। मैं मार्क कर रही सोडियम और पोटेशियम ज्यादातर क्लोराइड्स की फॉर्म में होते हैं ठीक है सो सोडियम पोटेशियम अकर मेनली एज देर क्लोराइड्स ठीक है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज कार्बोनेट ये कार्बोनेट फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं एल्यूमीनियम एज देर ऑक्साइड ठीक है वाइल जिंक लेड मर्क एंड सिल्वर आर फाउंड आई बात समझ सोडियम पोटैन टिप्स ठीक है छोटा सा चार्ट बना के अपने नोट में आपको लिखना है या फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो फ्लैश कार्ड बनाना पूरी केमिस्ट्री को टिप्स पे रिवाइज करना यह सब मैं आपको सिखाऊंगी पहले चैप्टर्स पढ़ लू उसके बाद आई विल भी टीचिंग यू एवरी थिंग ठीक है केमिस्ट्री से बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना मैं सब कुछ समझाऊंगी पहली चीज सोडियम पोटेशियम कैसे एग्जिस्ट करेंगे क्लोराइड्स में कैल्शियम मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट करेंगे कार्बोनेट्स में एल्यूमिनियम कैसे ऑक्साइड में जिंक लेड कॉपर मर्करी सिल्वर कैसे सल्फाइड्स में ठीक है पता होना चाहिए ये वाला पैराग्राफ मार्क कर लो सिंस द रिएक्टिविटी सीरीज लिस्ट द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट दोज एट द टॉप वुड कंबाइन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन देयर मिनरल्स ठीक है भाई कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये है अब मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव दोबारा समझा देती हूँ थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत रेडिली कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो होते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल शो करेंगे मतलब क्या है आ, जो आपको ईजी समझ में आए मैं रैंडम एग्जाम्पल लेती हूँ ए बी ए बी में अगर बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो स्लाइट चार्ज लेगा क्योंकि जो आपका कंबाइंड स्टेट जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप के जो मेटल्स हैं उनका टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की तो जो आपके क्लोरीन फ्लोरिन आपके जो हैलोजेंस हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की तो ये कंबाइन स्टेट कर सकते हैं वो ये कहना चाहते हैं ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इट माइट बी एक्सपेक्टेड ऑन द टॉप वुड कंबाइन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो टॉप पे हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और वो किससे कंबाइन करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोन नेगेटिव एलिमेंट से कौन से से क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरिन आयोडीन हाइलोजन से ठीक है ये कह रहे हैं वो अब आ जाओ मिनरल्स एंड ओर्स इसका ज्यादा स्ट्रेस लेना मत ठीक है क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपने ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में ये पढ़ा है मिनरल्स एंड ओर्स मिनरल्स का मतलब क्या है मिनरल्स जब भी आपका कोई मेटल है वो किसी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसके साथ आपके फालतू फालतू की बाकी सी सारी चीजों साथ आप चिपकी पड़ी है कौन कौन सी हो गई आपकी आपके हो गए रॉक्स हो गए सैंड हो गए बाकी सारे यू uh, नो you know, मिट्टी के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए और भी कुछ इम्प्योरिटीज हो गई ये जो सब कुछ एक साथ चिपका हुआ है और उसके साथ साथ मेटल भी एग्जिस्ट करता है इसको कहते हैं मिनरल ठीक है जब ये मिनरल कोई इस फॉर्म में हो जिसमें से आप मेटल को आराम से एक्सट्रैक्ट कर सको आराम से मतलब जो आपकी प्रोसेस फॉलो आप करो तो उसमें से मेटल निकल जाएगा ठीक है उसको कहते हैं तो मिनरल ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत सारा मिनरल है उसमें मेटल बहुत कम क्वांटिटी में है तो आप पूरा प्रोसेस करके थोड़ा सा क्वांटिटी में थोड़ी ना अपना मेटल निकालोगे ठीक है तो मिनरल तो बहुत सारे टाइप के एग्जिस्ट करते हैं कहीं मेटल ज्यादा है कहीं कम है कहीं कहीं इंसान का पहुंचना मुश्किल है कहीं आपका प्रोसेसिंग में करने के बावजूद मेटल नहीं निकलेगा ठीक है तो ये सब मिनरल है जो ओर है मिनरल्स में से जो ऑर्स जो पार्ट्स ऐसे हैं जहां से आप मेटल को निकाल सकते हो इंडस्ट्रियल लेवल पे निकाल सकते हो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकाल सकते हो उसको कहते हैं ओर ठीक है सो ऑल ऑर्स आर मिनरल्स जितनी भी ओर्स है वो मिनरल की कैटेगरी में ही आते हैं बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स सारे ही मिनरल्स में से आप प्रॉफिटेबल uh, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते प्रॉफिटेबल का मतलब ही ये है कि इतनी क्वांटिटी नहीं आएगी जितना आप मेहनत करोगे ठीक है सो so, एक बार पढ़ के देखते हैं मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच आर जनरली मिक्स विद अदर सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंसेस सॉइल मर्ड सैंड सिलिका, लाइमस्टोन रॉक्स दीज और दी इंप्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स और मैट्रिक्स ठीक है तो so ये है मिनरल्स अब इन मिनरल्स में से जो पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें से आप मेटल को निकाल सकते हो उसको कहते हैं ओर ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट आपकी मेहनत भी कम लगनी चाहिए आपका पैसा भी कम लगना चाहिए तभी हम उस और को प्रॉफिटेबल मानते हैं क्योंकि तभी आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ मेटल निकाल सकते हो और उसको डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बेच सकते हो ताकि प्रॉफिट तो हो आगे बात समझ तो मिनरल्स क्या है मिनरल्स है कि जब आपके मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में बहुत सारी इंप्योरिटीज के साथ चिपट के एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन सी इंप्योरिटीज चिपट रही है गैंग पार्टिकल्स विच आर ऑलसो कॉल्ड मेट्रिक्स गैंग पार्टिकल्स मतलब सिलिका हो गया मड सॉइल बाकी फालतू की इंप्योरिटीज सबसे चिपट के जो बैठा है सब मेटल्स सबको मिनरल कहते हैं उन सब मिनरल्स में से जो ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें से आप प्रॉफिटेबल अपना मेटल को बाहर निकाल सकते हो कम पैसे से कम एफर्ट से उसको कहते हैं और ठीक है तो ये रहा आपका अब ये वाला ना गिव रीजनिंग में आ जाता है कई बार ऑल मिनरल्स

जो आपसे मेन पूछे जाते हैं ना वो एल्यूमिनियम आयरन और जिंक के पूछे जाएंगे ठीक है तो एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं पर याद करने की जरूरत नहीं है सो फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम पोटेशियम का मेन और ये रहा के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू हो फिर सोडियम का हो गया एन एस सी एल इन सी वाटर तो ऐसे आप ये सारे एक बार रीड कर लो बट ऐसे कोई स्पेसिफिकली डोंट हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस अगर मुझे पता चलता है कि कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूंगी और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि ये वाला इंपॉर्टेंट है बट फॉर नाउ ओर्स इनसोलिबल ओरिबल हो गए पत्थर वाले फॉर्म में है, वो आपके एग्जिस्ट करते हैं रेगुलर धरती पे मिल जाएंगे पत्थरों की फॉर्म में जो आपके थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है या फिर जो वॉश अवे हो सकते हैं मतलब बहुत ही मिट्टी जैसे अवेलेबल है उनको एल्कली क्लोराइड्स जो बोलते हैं मतलब मेटल के क्लोराइड्स आर वॉश्ड अवे बाय रेन्स तो वो हमें सी वाटर में मिलते हैं हम उन्हें फिर सी के अंदर से खुदाई करके सी वाटर में से वी फिगर इट आउट हाउ टू टेक देम आउट ठीक है अब कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक ये है इंपॉर्टेंट ये पूछे ही जाएंगे मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का सबसे कॉमन ओर है ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एच टू ओक है विच इज एक्सट्रैक्टेड इसमें से हम एलुमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन तीनों ही मेटल्स के रेगुलर ओर्स है दो तीन दो तीन ओर्स आपके सिलेबस में है पर एक सबसे कॉमन ओर है जिसे हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट ठीक है उसमें से यूज नहीं करेंगे तो आपका सफिशियंट एक्सट्रैक्शन होगा नहीं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का जो कॉमन है वो है बॉक्साइड ठीक है उसका दूसरा केमिकल नेम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर है क्रायोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड फिर है कोरोनडम दैट इज एनहाइड्रस एलुमिनियम ऑक्साइड सबसे कॉमन कौन सा है पहला वाला बॉक्साइड ये पता ये तीनों के फॉर्मूले तीनों के कॉमन नेम तीनों नाम पता होने चाहिए इनके आप फ्लैश कार्ड बनाएंगे और फ्लैश कार्ड बना के मुझे फोटो खींच के भेजेंगे या तो यू कैन ई मेल मी टू गेट दम करेक्टेड की भाई सही तरीके से बनाए या नहीं आए बनाए ठीक है आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स चीफ ओर और इसका चीफ ओर कौन है हेमाटाइट ठीक है तो रेड हेमाटाइट इज आयरन का सबसे कॉमन ओर और, और इसका केमिकल नेम है एनाइड्रस फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 तो उसके बाद आपके जो और है वो है ब्राउन हेमेटाइट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.3H2O मैग्नेटाइट दैट इज थ्री फेरिक ट्राई फेरिक टेट्रा ऑक्साइड ट्राई फेरिक टेट्रा ऑक्साइड मतलब तीन हाइड्रो तीन आपके आयरन लगते हैं इसमें सो so, Fe3O4 फेरिक तीन आपके आयरन फेटेट्रा ऑक्साइड चार ऑक्सीजन सो so, Fe3O4 आयरन पाइराइट्स आयरन डाइसल्फाइड FeS2 अब उसके बाद है साइड साइड राइट दैट इज फेरस कार्बोनेट दैट इज FeCO3 ठीक है ये सबके नाम पता होने चाहिए कॉमन वाला स्पेसिफिकली पता होना चाहिए पर बाकी भी पता होने चाहिए मेन ओर ऑफ जिंक इज जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS फ्रॉम व्हिच जिंक इज एक्सट्रैक्टेड जो सबसे कॉमन वाले हैं उसी में से आपके एक्सट्रैक्शन ज्यादा होती है क्योंकि एक तो ज्यादा अवेलेबल होगा क्योंकि अवेलेबिलिटी पे भी तो डिपेंड करेगा ना ऐसा थोड़ी है कि निकालना तो आसान है पर अवेलेबिलिटी कम है ऐसा नहीं चलेगा वो वाले और स्पेसिफिकली ज्यादा अवेलेबल भी होने चाहिए आपके पैसे कम लगने चाहिए मेहनत कम लगनी चाहिए उनमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड साइट जिंक जिंकइट सॉरी नॉट जिंक साइट जिंक काइट दैट इज जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO एन ओ फिर कैलामाइन दैट इज जिंक कार्बोनेट दैट इज जेड एन सी सो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि अच्छे से इस, इस चैप्टर को रिवाइज करो स्टार्टिंग बहुत बेसिक्स है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पर इनमें से ना वन मार्कर टू मार्कर कहीं भी पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में इधर उधर छुप किया जाता है इस वाले पार्ट में से क्योंकि बच्चे इस पार्ट को बहुत लाइटली लेते हैं

Whenever you are doing a quick revision, you can just take a look at your flashcards and you'll be done with the part. Okay? If you need more details, how to make flashcards, what to write on the flashcards, you can definitely reach out and I can definitely help you out with that. But very soon, I will be putting out a video based on it. Now, uh, that is it for today, students. We'll catch up in the next session. Alright, students. So, this is it for today's session. today's session, we covered the first portion of metallurgy. जिसमें वी डिस्कस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज उनके यूजेस, एंड वी इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ मिनरल्स, ओर्स और जो आपके कॉमनली एग्जिस्टिंग ओर्स है सो दिस इज इट अप इन द नेक्स्ट सेशन फॉर एनीथिंग, प्लीज मेक श्योर दैट रीच आउट इफ यू हैव एनी डाउट एंड मेक श्योर दैटक्राइब टू चैनल एंड फॉरवर्ड एंड ऑल्सो शेयर द चैनल विद यस ऑल लर्न टूगेदर So this is it for today and we'll catch up in the next one.